अच्छी वाली जॉब छोड़ के खाना बनाओगे? उन्होंने बोला कि नहीं, अभी ये नहीं चलेगा। एक वक्त तो ऐसा आ गया था मुझे अपनी गाड़ी तक सेल करनी पड़ गई सैलरीज देने के। असद, आपको याद है हमने फूड फ्यूजन कब शुरू किया था? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ भाई, 2016 में शुरू किया था, 5 साल हो गया मैं पूरे। पाँच साल बहुत सारी स्ट्रगल्स हमने की, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए, मगर हमारे फैंस की मोटिवेशन, उनकी एनकरेजमेंट और उनकी सपोर्ट की वजह से हम आज यहाँ पे सुपर कॉन्फिडेंट आपके सामने बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असद और ये है साइमा, हम दोनों मियाँ बीवी हैं और फूड फ्यूजन हम दोनों ने साथ में शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, फूड फ्यूजन आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखी जाने वाला डिजिटल फूड चैनल है। स्पेशली आप लोगों को थैंक यू करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमारी पूरी जर्नी, उसमें क्या क्या मुश्किलात आई, क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, वो सब कुछ हम आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। फूड फ्यूजन शुरू करने से पहले जिंदगी बड़ी आराम से, बड़ी जबरदस्त चल रही थी। वी वर एट पीक ऑफ आवर करियर्स। मैं एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिजिटल मीडिया एजेंसी में मैनेजिंग डायरेक्टर था एंड साइमा भी ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर थी अपनी कंपनी में। एवरीथिंग वाज ऑल गुड, बट कुछ मिसिंग था। हमें लगता था कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हम लोगों की जिंदगी पर कुछ डिफरेंस क्रिएट कर सकें, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें, कोई अच्छा काम कर सकें। तो वो हमेशा हम सोचते रहते थे कि क्या करना चाहिए और बहुत सारे आइडियाज़ को हम सोचते थे कि शायद हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मसले जो हम सॉल्व कर रहे हैं कुकिंग के, ये हमारी जिंदगी में भी आ चुके। तो हमें लगा दूसरों के लिए भी चैलेंजेस होंगे, तो क्यों ना इससे शुरू करें और लोगों की जिंदगी आसान बनाएं। Thus, food fusion came into being. जहाँ तक खाना बनाने की बात थी, वहाँ पर तो हम दोनों बहुत शौकीन थे, बहुत सारे अमेजिंग आइडियाज़ हमारे जहन में थे कि ये कर सकते हैं, ये सिखा सकते हैं, मगर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो स्किल सेट्स चाहिए थे, जो टेक्निकल स्किल्स चाहिए थे, वो हम दोनों के पास नहीं थे। हम दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, तो अब इस मसले को कैसे हल करना है? फिर असद ने जिम्मेदारी ली कि शूट कैसे करना है, कैमरा से रिलेटेड सारी चीज़ें वो खुद सीखेंगे, एडिटिंग के हवाले से मैंने अपने कोर्सेज शुरू कर दिए। तो होता क्या था कि मैं जाता था जॉब पे और साइमा जाती थी एडिटिंग कोर्सेज करने के लिए। फिर जब मैं अपनी जॉब से वापस आता था तो रात को तकरीबन, मुझे अभी भी याद है, 3 घंटे बैठ के मैं यूट्यूब पे ये सीख रहा होता था कि कैमरा कैसे चलाना चाहिए, लाइटिंग कैसे करनी चाहिए, कौन सा कैमरा खरीदना चाहिए। एडिटिंग में एक वीडियो एडिट करने में शायद नॉर्मल लोगों को 1-6 घंटे लगेंगे, 5 घंटे लगेंगे, मुझे 20-20 घंटे लग जाते थे एक छोटे से पार्ट को एडिट करने के लिए। बिल्कुल। तो बहरहाल थोड़ा 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 सीखते सीखते आखिरकार हम सीख गए कि ये चीजें कैसे हमने खुद से कर। तो यहाँ तक तो हम दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि जल्दी से इस आइडिया को एग्जीक्यूट करें और सबको दिखाएं। और अब वक्त आ गया था कि हम अपनी फैमिलीज को, फ्रेंड्स को बताएं कि हम ये इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं जॉब्स छोड़ने का और एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का, जिसका अभी पाकिस्तान में कोई नाम ही नहीं था। तो वहाँ पर हमें एक रियलिटी चेक हुआ। मैं गया अपने पेरेंट्स को बताने, तो वो उन्होंने खुशी भी जाहिर की कि कुछ नया करने जा रहे हैं, मगर एक डरे हुए थे बिल्कुल। एक्चुअली शॉक के, अच्छा तुम एक अच्छी वाली जॉब छोड़ के खाना बनाओगे। एंड सिमिलरली साइमा ने जब अपने घर वालों को बताया तो उन्होंने भी बोला कि भाई अपने मियाँ को समझाओ, इतनी जबरदस्त नौकरी छोड़ के मतलब ये क्या करने जा रहे हो तुम लोग। यहाँ पे हमारे लिए एक सेटबैक था कि अच्छा ये तो सबकी तरफ से एक फियर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है कि अच्छा ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हम दोनों शेक हो चुके थे कि करना है कि नहीं करना है। फिर यही था कि हमने अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह की, हमने कहा चलो लेट्स डू इट। असद ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया, मैंने भी डिसाइड किया कि आई नॉट रीजॉइन द कंपनी, और हमने बिस्मिल्लाह की और कहा कि चलो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, देखते हैं क्या हो। याद है हमारा पहला शूट? जी बिल्कुल, रात के 2 बजे शुरू किया था क्योंकि हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, 5 साल, 1-1 साल, तो उनको सुला के फिर ही हम कुछ काम कर सकते थे, और सुबह में असद की जॉब होती थी। तो हमने रात के 2 बजे शूट किया और सुबह के 8 बज चुके थे और हमारा शूट फिर भी हमें लग रहा था कि कम्प्लीट नहीं है। हमने बनाए थे चिली बाइट्स, ठीक है, मुझे अच्छी तरह से याद है। जब हम देखते हैं तो खुशी भी होती है कि कहाँ से शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह कहाँ पे पहुँच चुके हैं। और पहला शूट किया था हमने अपने घर के ड्राइंग रूम से, हमारे पास वही ड्राइंग रूम है जिसकी साइमा ने कुर्बानी दी थी। सब कुछ होने के बाद ये बात समझ में आती है कि घर वालों को शायद हम जो करने जा रहे हैं वो ना समझ में आए, हमारे दोस्तों को समझ में ना आए, मगर जो इस फील्ड के लोग हैं, जो ब्रांड्स हैं, उनको जरूर समझ में आएगी, मुझे बड़ा इस बात पे यकीन था।
तो हम लोग ने 15 वीडियो सायमा और मैंने मिलके शूट की, फाइनलाइज करके एक जबरदस्ती प्रेजेंटेशन बनाई। बड़ी मुश्किल से मीटिंग सेटअप हुई एक ब्रांड के साथ के जी हम जाके उनके साथ मिलते हैं, उनको दिखाते हैं कि हमने क्या किया। पहली मीटिंग में उन्होंने हमारा काम देखा, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी वीडियोज है, तारीफ की वीडियोज की, मगर हमें हमारे साथ काम करने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं अभी ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट समथिंग विच मे गो, जितना हम बोल रहे हैं। उस वक्त हम दोनों जिद में आ गए, हमने फैसला कर लिया कि अपने बलबूते पे ये चैनल स्टार्ट करेंगे। फाइनली वी वर एबल टू गो लाइव, वी पुट आउट द वीडियोस, पहली वीडियो गई, दूसरी वीडियो गई, एक के बाद दूसरा कमेंट आता गया। वो जो अप्रिसिएशन थी वो हमारी ड्राइविंग फोर्स थी, आप लोगों ने जो हमें सपोर्ट किया हमारी ड्राइविंग फोर्स थी, है और रहेगी हमेशा। फिर हमें ब्रांड्स मिलने में कोई मसला नहीं हुआ, ब्रांड्स ऑल्सो रिकग्नाइज्ड आवर वर्क। इस सब चीज़ों के बाद दो बातें क्लियर हो गई थी कि सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस की सुननी और अपने फैंस के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना है, और इस कनेक्टिविटी में स्पीड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इस ईद पे भी हम जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के पास, बीच रोड पे खड़े होके हमने अपलोड करना था। टीम ने मेरी बड़ा हैवी फाइल भेजा है जिसको मैंने अपलोड करना है, बट वी वर एबल टू डू इट ईजिली, जहाज की स्टिक लगाई एंड वी आर अप एंड रनिंग। रिसोर्सेज की कमी, इक्विपमेंट ना होना, ये हमारे लिए मायने नहीं रखते थे। हमने पूरी ऑपरेशंस को मिलके बूटस्ट्रैप की। हमारे ड्राइंग रूम से फूड फ्यूजन मूव हुआ एक छोटे से ऑफिस में, और उस ऑफिस से इस वक्त हमारी फुल फ्लेज ऑपरेशन चल रही है। और ये ऑपरेशन हम दोनों नहीं बल्कि हमारी एक पूरी एक टीम है, जो कि एक्चुअली हमारी फूड फ्यूजन फैमिली है, हम सब मिलके उसमें काम कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बाहर से देखे तो बहुत सबको एक बड़ा अच्छा बड़ी सी कंपनी नजर आती है, एक बड़ा अच्छा इमेज क्रिएट होता है। बिहाइंड द सीन्स बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए हमने, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो। एक वक्त तो ऐसा आ गया था मुझे अपनी गाड़ी तक सेल करनी पड़ गई सैलरीज देने के लिए। COVID-19 हिट द वर्ल्ड, हम शूट नहीं कर पा रहे थे। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग पोजीशन फॉर अस। वापस हम अपने स्टूडियो को घर ले आए, घर से शूट करना शुरू किया, अपने स्टाफ को इक्विप किया, अपनी जो हमारी टीम थी, और उनको कहा कि आप भी अपने घरों से काम करें। अभी हम इस कोविड की सिचुएशन से निकल ही रहे थे, कुछ संभल ही पाए थे, तो फिर हमने जो अपना नया ब्रांड न्यू ऑफिस बेसमेंट में बनाया था वो बारिशों की वजह से डूब गया। दोबारा से इस ऑफिस को बिल्ड किया, उसी जगह पे आज बैठे हुए हैं। किसी भी कंटेंट क्रिएटर की ऑक्सीजन होती है कनेक्टिविटी, जिसके बगैर वो रह नहीं सकता। हमारे लिए भी कनेक्टिविटी बेहद ज़रूरी है, इसके बगैर हम अपने फैंस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। हम जहाँ कहीं भी हो, भले हम अपनी टीम को हुंजा लेके गए हो, पूरा पाकिस्तान टूर कर रहे हो, कनेक्टिविटी के बगैर नहीं रह सकते। और यहाँ पे हमेशा वी हैव बीन सुपर कॉन्फिडेंट व्हाइल यूजिंग आवर जैज सुपर 4G। तो जब अब हम कहीं बाहर होते हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली के साथ, तो लोग आकर मिलते हैं और कहते हैं कि आप फूड फ्यूजन वाले हैं, तो हमारे पेरेंट्स बहुत फख्र महसूस करते हैं, माशाल्लाह बहुत खुश होते हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि लोग अपना प्यार दिखाते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को अप्रिशिएट करते हैं, हमें मोटिवेट करती है ये सारी चीज़ें। और बहुत खुशी की बात है कि फूड फ्यूजन एक ब्रांड बन चुका है, सिर्फ एक ब्रांड बन चुका है मगर सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है। ये वो एग्जाम्पल जो कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि ये क्वालिटी कंटेंट हमारे मुल्क पाकिस्तान से आता है। कंटेंट क्रिएशन का एक बूम आया हुआ है, हम भी इस बूम का हिस्सा रहे हैं और इससे हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहूंगा जो कि शायद कोई आपको और ना बताए। सबसे पहली चीज, कॉन्टेंट अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये भूल जाए कि आप उससे पैसा बनाएंगे। पैसे को पहले ना रखें, पैसे को बाद में रखें। पैसा आपको फॉलो करेगा अगर आप एक जील, एक जिद्दत के साथ बैठ के कंटेंट बनाते हैं। दूसरी चीज ये है कि बी कंसिस्टेंट, बी कंसिडरेट। देखें कि अगले जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको देखने वाले हैं, उनको आपसे क्या फ़ायदा पहुंचेगा। वो ये अगर अपने 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट आपकी वीडियो देखेंगे, तो उनको उससे रिटर्न उनका क्या होगा, क्या वो उनके लिए कोई, उसके लिए उनका बेनिफिशियल होगी नहीं होगी, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंस, सब्र। आपके अंदर बहुत ज़्यादा सब्र होना चाहिए। जीत सबकी होगी मगर कोई जल्दी जीतेगा
कोई थोड़ी देर बाद जीतेगा अगर आपके अंदर पेशेंस होगी। आजकल के दौर में कंटेंट क्रिएशन के लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार मेरे पास वो DSLR कैमरा नहीं है या फला किस्म की लाइट नहीं है या मेरे पास एक स्टूडियो नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कंटेंट क्रिएटर अगर आपने बनना है तो आपने अपनी रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना सीखना पड़ेगा। बिहाइंड द सीन देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये इतना इंटरनेशनल क्वालिटी का कंटेंट फूड फ्यूजन पे जो आ रहा है इसके पीछे जुगाड़ कितने हैं। बहुत सारी ऐसी फूड फ्यूजन की वीडियोस हैं जिसके शूट हमने मोबाइल से किए हैं, आज भी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बिहाइंड द सीन बहुत कुछ मेहनत लगती है। आउटपुट का सोचे कि मैं इस आउटपुट को कैसे ड्राइव कर सकूं। कल जो आप वीडियो डाले वो आज वाली वीडियो से अगर बेहतर है तो 100 वीडियो के बाद आप बेस्ट बन जाएंगे। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन हु हैज हेल्प्ड अस रीच दिस वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ 5 years। Our fans, our family, our followers, people who have criticized us, people who have supported us, our sponsors who have helped us become super confident in this world of content creation. So, aap bhi jaye, behtar se behtareen content banaye aur puri duniya ko batane ke aap bhi kisi se